बिलासपुर में प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली नर्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह ड्यूटी के दौरान वहां एक दिन पहले अपने मोबाइल से किसी से बात करते हुए रो रही थी और मानसिक तनाव में थी। ऐसे में पुलिस को शक है कि प्रेम प्रसंग के चलते नर्स ने आत्मघाती कदम उठाया होगा। पुलिस ने जांच के लिए उसके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है। वहीं उसके मोबाइल फोन की जांच से उसके आत्महत्या के कारणों का पता चल सकेगा। मामला सिविल लाइन थाने का है। जानकारी के अनुसार कोटा थाना क्षेत्र के बड़े बरर निवासी ललित ध्रुव सरकारी क्षेत्र के प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी। वह मंगला स्थित ब्रज विहार कॉलोनी में किराए के मकान में रह रही थी। वह अपनी ड्यूटी से रूम पर लौटी थी। इसके बाद उसके साथ काम करने वाली रूममेट पार्टनर ड्यूटी से वापस आई तो उसने दरवाजा अंदर से बंद पाया। इस पर उसने दरवाजा खुलवाने के लिए काफी देर तक आवाज दी और मोबाइल फोन से भी कॉल किया। जब जवाब नहीं मिला तो युवती को संदेह होने पर आसपास के लोगों को बुलाया। इसके साथ ही ललिता के बड़े भाई नेपाल सिंह को भी बुलाया गया। उनकी मौजूदगी में कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। अंदर कमरे में ललिता का शव फांसी के फंदे पर लटक रहा था। तो वहीं ललिता के भाई नेपाल सिंह की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि शव का पंचनामा कर पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है, साथ ही ललिता के मोबाइल को भी जब्त कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPL।